विकासनगर में शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर में दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन एल्को कानपुर के सहयोग से किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला शिक्षा अधिकारी सुदर्शन सिंह बिस्ट ने किया। इस शिविर में कुल 62 दिव्यांगों का पंजीकरण किया गया, जिसमें 47 विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए चिन्हित किया गया। कोई बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा है, कोई ठीक से बोल नहीं पा रहा है, कोई ठीक से सुन नहीं पा रहा है, कोई स्लो लर्नर है, धीमी गति से सीख। प्रत्येक विकास खंड में देहरादून के जिले के जितने भी विकास खंड हैं उसमें हमारे शिविर लग रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। यहाँ पे 2 विकास खंडों का शिविर आज यहाँ पे लग रहा है, कालसी का और विकास खंड का। तो ये जो दिव्यांग बच्चे हमारे होते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए परीक्षण शिविर है। इस समय जो कानपुर से एक एलिम्को की टीम है वो यहाँ पे आई है, वो उन बच्चों की दिव्यांगता का परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण करने के पश्चात उनको कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी वो उनको फिर प्रदान करेंगे। आज विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम है और इसमें विकासनगर और कालसी के बच्चे और उनके अभिभावक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर की टीम है CMO के उससे और यहाँ हॉस्पिटल से भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और इधर एल्को की टीम भी यहाँ पर आई है। किस बच्चे को किस उपकरण की ज़रूरत है वो उसको चिन्हित कर रहे बच्चे को। ये आज यहाँ GIC हरबटपुर में समग्र शिक्षा अभियान और जिलाधिकारी महोदया देहरादून के निर्देशानुसार यहाँ पर ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिविर लगा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो दिव्यांगताएँ हैं उनमें जैसे सेरेब्रल पल्सी, मेंटली रिटार्डर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, इसके अंतर्गत इन बच्चों को परीक्षण यहाँ पर एलिम्को और जो डॉक्टर्स आए उनके द्वारा किया जाए।